हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दो तीन से ज्यादा नहीं दे सकता नंबर, तो दो अंक नहीं दिया जा सकता। विधायक जी को 10 में से कितने अंक देंगे? हमारे यहाँ कुछ नहीं है। क्या अंक अपना दे अभिनेश? एक को अंक नहीं दे सकी, बिल्कुल इनका 0/0 है यार। अंक दे लायक काम ही नहीं करने का। मैं अपने तरफ से समूच अंक माननीय विधायक के बीच त्रिपाठी जी को दे रहा हूँ। नमस्कार, विराट 24 न्यूज से इस वक्त मैं हूं आपके साथ स्वाति। ज्यादातर लोग ओहदों से प्रसन्न हो जाते हैं, राजनीति की बिसात में कुछ को ही सत्ता समझ में आती है। आइए नापते हैं जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में बिंद के शासन और प्रशासन के काम। ले चलते हैं रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ तमाम विधायक के द्वारा किए गए वादों का देखते हैं हाल। कौन से किए थे वादे और किस तरह से 4 वर्ष में उतरे हैं खरे, कितनी भरी है अपनी तिजोरी और सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का लालच देकर जनता से मांगा था वोट, और 4 वर्ष बीतने के बाद क्या है हालात, किसका हुआ कितना विकास, जो जनता चुनाव के समय जनार्दन लगती थी अब कैसे है बेबस। सिमरिया विधानसभा से अब तक 3 विधायक चुने जा चुके हैं, जिनमें भाजपा से अभय मिश्रा, नीरम मिश्रा और वर्तमान में केपी त्रिपाठी हैं। प्रतिनिधियों को जनता ने वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया, पर जनता को क्या मिला, जनता और विपक्ष के क्या हैं आरोप, पहले आपको सुनाते हैं। आरोप नंबर 1, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर आरोप है कि इन्होंने विधायक बनते ही सबसे पहले विरोधियों को दबाने के लिए विरोधियों पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए, ऐसे कर्मचारियों की पदस्थापना अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए जो इनके इशारे पर नाचते रहे और आम जनता का शोषण करते रहे। आरोप नंबर 2, विधायक केपी त्रिपाठी पर आरोप लगते रहे हैं कि यह अपनी तानाशाही के दम पर विधानसभा क्षेत्र में जमकर वसूली करवाया है, जिसमें सबसे अहम रहा सिमरिया नगर पंचायत का बैठकी ठेका, जिसे काम मिला उसका निरस्त कराया गया, मनमाने इनके गुर्द वसूली करते रहे, लोगों के साथ मारपीट किया और विधायक संरक्षण दिया। आरोप नंबर 3, विधानसभा क्षेत्र में अल्ट्रा ट्रेक और जेपी सीमेंट फैक्ट्री में अपनों के नाम कारोबार किया, अवैध पत्थर का परिवहन, अवैध क्रशर का संचालन, प्रशासन के सांठगांठ का जमकर खनिज का दोहन किया गया, जिसका प्रमाण रहा है कि इनके भाई के क्रशर के अवैध विस्फोटक मिला। आरोप नंबर 4, अपने चहेतों के खातों में अवैध वेंडर बनाकर जनपदों से भुगतान करवाकर मोटी रकम इकट्ठा की गई, इसका प्रमाण जनपद पंचायत सिरमौर सीईओ कांड रहा, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर वसूली का आरोप लगाया और पूरी कलाई खुल गई। आरोप नंबर 5, विधायकी का फायदा उठाते हुए रीवा की शराब दुकानों में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रही, जिसके लिए धरना प्रदर्शन करते हुए दुकान में घुसकर मारपीट की गई। आरोप नंबर 6, रीवा जनपद में अपने चहेते दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कराई गई, जिन्हें मलाईदार कुर्सियों में बैठकर पंचायतों के माध्यम से धन एकत्र किया गया, जिसने इनकी मनमानी नहीं माने उन्हें काम से रोका गया, उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। नतीजा यह हुआ कि जनपद सीईओ, लेखा अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए, और यह कार्रवाई कोई और नहीं बल्कि जनपद के ही पीड़ित कर्मचारियों ने कराया। आरोप नंबर 7, विधायक ने स्वेच्छा अनुदान मद का दुरुपयोग किया, अपने चहेते नजदीकी रिश्तेदारों को विधायक निधि का बंदर बांट किया, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ। आरटीआई के कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए, अगर जांच हो तो खुलासा हो सकता है, वो जनता से लिए गए और लाभ नाथ रिश्तेदार कार्यकर्ताओं को दिया गया। आरोप नंबर 8, पुराने निर्माण कार्य को नया दिखाकर फंड जारी कराया गया और निर्माण के नाम पर तिजोरी भरी गई, नवीन विकास के नाम पर काम नहीं किए गए, पुराने कार्यों को दिखाकर वाहवाही लूटी और अपना खजाना भरा, पुड़वा फॉल बसावन मामा में कहीं सौंदर्यीकरण तो कहीं जीर्णोद्धार के नाम पर धन एकत्र किया गया, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं हुआ।
आरोप नंबर 9, जिसने भी इनका विरोध किया, इनके कारनामों का खुलासा किया, वह चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी हो या विरोधी या मीडिया कर्मी या फिर दलित किसान, उसे दबाने के लिए अपने द्वार बैठाए गए भ्रष्ट कर्मचारियों का उपयोग कर झूठे मामले दर्ज कराए गए। खरीफ फसल रौंद वाई गई, 3000 का सैलरी पाने वाले लोगों को नौकरी से निकलवाया गया, आवाज उठाने वालों को घरे से बुलडोजर चलवाने की धौंस दिखाई गई। कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ऊंच नीच का भ्रम फैलाकर जनता को भ्रमित किया गया और अपना उल्लू सीधा किया गया। आरोप नंबर 10, किराए से घर लिया, राजनीतिक पहुंच और ओहदे का फायदा उठाते हुए कब्जा कर लिया, गरीब अब दर-दर की ठोकरें खा रहा है, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कुल मिलाकर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और इसके सबूत भी मिलते रहे हैं। जनता और विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक केपी त्रिपाठी तानाशाही करते हैं, इनका उद्देश्य जनसेवा नहीं बल्कि अगले चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद अपनाकर विरोधियों को कुचलना और धन एकत्र करना है। इनके ऊपर लगने वाले आरोपों की दिखाते हैं झलकियां और फिर ले चलेंगे उसी जनता के पास जिसके पास चुनाव के समय केपी त्रिपाठी एक एक वोट के लिए गिड़गिड़ाया था, और अब वही जनता किस तरह से अब बेबस लाचार दिख रही है, आज उसका क्या कहना है, फिर सुनाएंगे पक्ष और विपक्ष के साथ शासन प्रशासन को यहाँ की जनता कितने अंक देती है और जनता के पैरामीटर में विधानसभा क्षेत्र का शासन प्रशासन कितना खरा उतरा है। विधायक जी आए, जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तब आएंगे, काहे अभी तो हमको जरूरत है। जनता जाए सारी साली भाड़ में। जो सांसद और विधायक के पी त्रिपाठी के भी और जनार्दन मिश्रा के भी खास लोग हैं, 11-11 एकड़ इस जमीन को उन लोगों को आवंटित कर दिया गया। यहाँ ना तहसीलदार सुनने को तैयार है, ना FDM, अगर FDM के पास भी जाओ सर तो वो भी वहाँ से हम लोगों को डांट के भगा देते हैं। फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छोड़वा दिए, KP सिमरिया का विधायक छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए, तो वही कट्टा से काल मॉडल कर दिया। केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, जिसी उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। आपका कमलापति के जगह लंकापति, विकास के जगह विनाश, मर्डर हो रहे हैं, विरोधियों को फंसाता है, काम नहीं कराता, हमारे गांव की रोड रद्दी है, ऐसा रद्दी विधायक देखवे नहीं भाई। क्योंकि पहले जे रहे बहुत अच्छे रहे, विकास केन पे इतना रद्दी विधायक अब तक हम देखवे नहीं भाई। जब देखा था थाने में कहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, इधर उधर मर्डर हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा, सिर्फ फ्रॉडगिरी चला थी। आदमी एक पाले है हर गाँव में, क्यों कमीशन खोरी के काम करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। अना अबे कबहू अपने यहाँ, जब से विधायक चुने गए KP त्रिपाठी, ये हर दिन क्या है बहुत दूर के न हो, पर इनकर दादा गिरी लागत है कि गांव में लोग रहे न पाई ही इनके दादन के मारे, कहीं दादा पाले जब कमंडल उमंडल जब रहा थे ना, तो गांव में लोगन का ऐसा परेशान कहे हैं कि बेचारे एकदम का कहा कि उनकर का हालत ही, कुछ काम नहीं आए इनके, बस गुंडागर्दी ही, कौनों गांव के लोग कह दें कि भाई हमारी यह काम रहा है, बस करवा दे ना, दे 500 रुपया बहन बन जाई, बस यह चली। अजय को और ज़्यादा बोले तो फिर जो उनके नाम FIR हुई, कही कि विधायक यह रोड चली, वो रोड खराब रही, तो इनके तो इनका गुस्सा लग गया, वो रोड में घुसे तो कहे कि कहाँ दो रहा खूब, तो उनका नाराजगी हो गया कि यह कहाँ दो हम कल आधी, अरे तू रोड बनवाए नहीं तो कदबे में नहीं ठबे, तुम्हार काम हीठा कादम मई जनता के ठीक करा ये तुम्हारा, तो फिर ओका बेचारे का मारे का दौड़ भाई नोकर मोबाइल छोड़वावे के, फिर ऊपर पर SC ST लगवाइन विधायक यहाँ ही, अरे अपराधी तू एक अपराधी हुआ तो तू अपराधी के साथ दई के का से मरिया के सिद्ध करे चाहते हैं। अरे BJP वाले सारे पागल टिकट दे दिन, वो पागल के पूरी जनता के ऊपर मुकदमा, भाई सब परेशान है, तो इनकर गुंडागर्दी खाती का शिव राजा माधर हो गया है, सिमरिया की जनता परेशान है हो गए, एक बेत वोट दे दी दो कैसन की जीत गए, दोबारा ऐसा नहीं लागे कि तिलक लागी इनके, तो ये एक जो टिकट काटे नहीं तो मरी जाइए, सिमरिया की जनता वोट कट के दे इनका दोबारा। KP त्रिपाठी गुंडा और अपराधी आदमी है, जिसके भय से हम रीवा के मकान में कब्जा करना और वहाँ रहना की हिम्मत हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि रहेंगे मारपीट करेंगे, सरकार उनकी है यहाँ से वहाँ तक तमाम सब। शिवराज सिंह को खुद इस बात की जानकारी है कि KP त्रिपाठी अपराधी विधायक उनके खुद गुट का है, उसको तो सबसे पहले सब कामों को छोड़ करके राजनीतिक भावना को अलग करके हमारे मकान को खाली कराना चाहिए। जो हमारे सिमरिया विधायक हैं ये राजनीतिक गुंडा है, ये कहते हैं कि जिन लोगों ने हमको वोट दिया है
उनको हम काम करेंगे। और पिछली बार भी हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको कितनी वोट दोगे पहले वोट का आंकड़ा बता दो, फिर हमसे काम लेंगे। उस समय 4-5 सेक्रेटरियों को इन्होंने मारा, उसके बाद इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को भी हाथ चलाया, प्रतिष्ठित आदमियों को इन्होंने अपने हाथ से मारा। एक बार तो इन्होंने पब्लिक क्षेत्र में भी कहा कि हम ऐसे विधायक नहीं है, हम तो मार करके और ठीक कर लेते हैं। देखिए साथी, हम विकास तो नहीं कह सकते लेकिन जनता का तो विनाश हुआ है, लेकिन हाँ सत्ताधारी विधायक सांसद का विकास अवश्य हुआ है। हमारे क्षेत्र में आज भी पीने की समस्या, पानी की पीने की समस्या है, जगह जगह पानी नहीं है और पूरे गांव में अभी हाल ही में पानी बरसा तो पूरी नालियां जाम हो गई। इतने ही बरसा में घरों के मतलब रास्ते चौक हैं, पानी नहीं निकल रहा। हमारे विधायक भी उसमें संलिप्त हैं, उनका भी क्रेशर है, उनके भी ऊपर आप लोग मीडिया के माध्यम से जाना, फिर उसको लीपापोती कर दी गई कि उनके भी क्रेशर लाख हुए। इस कोरोना महामारी में भी न किसी प्रकार की स्कैनिंग हुई, न दवाई मिली, लोग भगवान भरोसे चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो विधायक केपी त्रिपाठी जी हैं उनके द्वारा कई घटनाएं कराई जा रही हैं। अब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक को सिमरिया क्षेत्र की जनता कमलापति के नाम से नहीं अब रावणपति के नाम से जानती है, लंकापति के नाम से जानती है और इनका अत्याचार अहंकार बहुत चरम सीमा पर है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत आहत है और इसका आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। हाँ आदमी कहीं चक्के कम रहा थे उससे बोले नहीं ना और कुछ होता नहीं रहा थे कि मानो हमारा कई खोई था के दम्मा इतनी चुनौती में दे रहे के पी भगवान आई उनका विधायक महाभारत कहे हैं भाई चोरी कह रहे छेरी चोरी कह रहे सब के पी होकर बाबत को आकर बाबत बाकी लुटेर आइया ना चाहे कि दुनिया लूटे खाते आइया सब कही रहे ये हमको न चाहिए बिल्कुल। प्रजातंत्र की हत्या सब चीज कुल मिला के बहुत अत्याचार हो रहा है। सिमरिया तो केपी त्रिपाठी तुम्हारे पास चार लफंगों के अलावा कोई नहीं बचेगा। ये तुम जिस संगठन को लेके भाग रहे हो ना मंडल कमंडल फमंडल ये सब तुम्हारा ही राज आएगा आई साहब भाई साहब। पर जनता जानती है कि तुमने हमारे गांव में 15 साल पहले की जो रोडें बनी थी उसका भूमि पूजन किया है। पता है मिश्रा ने जो 5 सालों में विकास किया है वो बनाम 50 साल में केपी जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। कि जनता अब जागरूक हो चुकी सिमरिया की जनता कि इन्होंने चाहे तहसीलदार हो चाहे वो CMO हो चाहे वो प्राचार्य हो जो भी इनकी नहीं सुनता उसको तत्कालीन हटा के दूसरा अपना व्यक्ति बैठा देते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक जी हैं उनको अपराधी पालने का बड़ा शौक था तो उन्होंने एक अपराधी को टिकट दे के सिमरिया में एक अपराध राजकर का एक शूटर अपने समझ में कायम किया है। रामानंद पत्रकार पर हमला होता है, प्रमोद शर्मा में हमला होता है, समदरिया वो जो सनी समदरिया पर हमला होता है, इसके बाद शराब दुकान पे हमला होता है, एक अपराधी विधायक के द्वारा पूरी समदरिया हमारी जल रही है। आइए आपको ले चलते हैं अब सीधे जनता के पास और सुनाते हैं जनता ने इन 4 वर्षों में क्या अनुभव किया और साथ में शासन और प्रशासन को कितने अंक दिए हैं। का नाम है अपना के? मां वीरेंद्र सिंह नाम। ये बताइए वर्तमान में विधायक जी है इनके 4 वर्ष में अपना के क्षेत्र में का उपलब्धि रही, का विकास कार्य किए अपना के गांव क्षेत्र में? जो विधायक अभी बने बिल्कुल कुछ काम नहीं करे जी। पहले वाले विधायक केवल उन्हीं का काम है जो अभय मिश्रा ने किया, इन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया जी, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया जी। यहाँ के कर्मचारी के कैसे रवैया रहा थे? कर्मचारी का है सब इनके सट्टे पट्टे सब जो चमचागिरी करता है जो कोई भी हो तो ये क्या है उसके साथ चलते हैं भाई। विधायक को सभी के हैं, कोई सोचे कि मैं ब्राह्मण ने वोट दे दिया तो मैं विधायक बन गया, ठाकुर दे दिया, ये तो सबके विधायक है। लेकिन ये लोग जो इनकी चमचागिरी करे दाएं बाएं रहे तो ये उन्हीं का वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो भी कोई भी चीज़ आती है ये उन्हीं को ही वो कराते हैं। हाथ की कै अंक देव अपना सिमरिया के विकास? हम बिल्कुल इनका 0/0 है यार, बिल्कुल हाँ 0 के आगे बिल्कुल आगे उगते नहीं है, इनका अंक दे लायक काम ही नहीं करने का। जी वर्तमान विधायक हैं 4 वर्ष में उनका कार्यकाल कैसन है अपना के गांव में या कि अपना के क्षेत्र में विकास कार्य कोनो? जब ये विधायक रहे तई कुछ काम धाम नहीं की, अब कागज में कितना काम कहे हैं सरपंच सेक्रेटरी जब ग्राम सचिव है तो इन सब अपन कई लेते काम इन खूब वो करे हैं आ गांव के विकास नहीं आए
जो विकास पहलो रहा है तब स्टाफ डैम पे सब उनका टरबाई वरबाई के सब ध्वस्त कर दिन हैं। अपने अपने घर में रोड बनवाए हैं, धरन में तमा हागत है, का विकास है। जंगह कई अपना जाई वंगह कई बिल्कुल निकुआ दबामे का परत है। शौचालय सब खाली नहीं, सिकेटरी सरपंच यहाँ के कर्मचारियों के का रवैया है अपना? कर्मचारी तो होगा विधायक के चलते बिल्कुल मस्त है, उनका कोई परवाह नहीं आए कि को हमारा शिकायत करी कि को आए कि देखी यह सब कौन हो, उनका चिंता नहीं आए। कर्मचारी तो झोंक के खाते उन खा खाए तो अब सब मस्त पड़े हैं। या विधायक जो रह चुके हैं तो हमारे या पार्टी के कलंक ही हैं, कुछ काम धाम नहीं की नहीं, केवल जेके साथ माँ इनके पाछे पाछे भागा थे वो इनका माला माल काए हैं और बाकी कुछ नहीं आए। पार्टी का लागत है हम बहिष्कार कर दे अब विधायक कौनों काम का है या नहीं है, नथिंग है या। अब पिछले वर्ष जबकि हम कहें थे कि थोड़ा सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी का अपना हिंट दे पार्टी के छवि खराब कर रहे तो विधायक कानी में तेल डाल ली नहीं, यहाँ तक कि वे कबहू अंगा का ही अवतय नहीं आए। कै अंक अपना दे अभी नहीं, एक अंक नहीं दे सकी, यह तो बिल्कुल विधायक सोहाते नहीं आए हमें। क्या नाम है अपना? माँ छोटे लाल आदिवासी। कौन गाँव के निवासी है? कुम्हरा। कुम्हरा, का समस्या है अपना के बताइए? समस्या ऐसा की जनता के बीच में आवास बहुत तेरन के है साहब को, बहुत तेरन के नहीं आते, इन्हों के आवास चाहिए। तो यहाँ यहाँ के जो नेता है वर्तमान जो विधायक है चार वर्ष से हैं, वो अपना के गांव खेतर का कहना आज तक का हमारे गांव को कौन विकास हमारे समझ में नहीं आवा। रात के यहाँ आवे तो मान के चली की रोड नहीं आता, गिर जाए मर जाए कुछ हो जाए, गड्ढा है बेभान तो अपना कुदे जाने के साहब, ऐसे समस्या है अपने लाने। यहाँ के कर्मचारी के रवैया कैसा रहते हैं अपना पंचन के प्रति? यदि मान ली कोनो काम लेके अपना गए उनके लगे तो कैसा रवैया रहते काम करते हैं अपना? पानी तक का नहीं है, काम करते हैं अपना के? हो गया बहुत काम होता है, बहुत काम नहीं हुई है, दोनों समस्या है, बहुत काम हो जाते हैं बहुत तेरे नहीं होता है। तो अपना का चाहे थे शासन प्रशासन से? का शासन प्रशासन से चाहे थे कि यहाँ जो खैर गरीब आदमी के बास आम है, रोड है या बनाए पानी है, पानी के सुविधा है ये है टाइम टाइम से सब चले। ये बताइए चार वर्ष से वर्तमान विधायक जी जी हैं, उनका विकास कार्य कुछ समझ में आवा अपना के गाँव में? हमारे गाँव में कुछ नहीं। सरपंच को है वर्तमान में समय अपना के? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी हैं। ये बताइए जो कर्मचारी हैं जो अधीन से चाहे तहसील में चले जाइए अपना, चाहे ग्राम पंचायत में, चाहे सिकेट्रिक या कि और जनपद में, उनका रवैया कैसा रहा था जनता के प्रति अपना? कुछ काम धाम की ही कुछ काम धाम नहीं। दस में से कई अंक अपना विधायक जी के दे सकी थे? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। का नाम है अपना के? हमारा नाम सबकी। तो का समस्या है अपना के यहाँ गाँव में? गाँव में समस्या है कहीं ना बनी जैसे। तो बताइए रोड कब से अपना देखा था नहीं तरह का आज तक बनी? नहीं बनी। ये अपना के गांव का रोड नहीं बनी। तो अपना का कहे चाहिए थे कुछ कहब? कहा कि रोड बनवा मैं और हमारा दे जाऊं मिला था। तो अपना के कहे पेंशन नहीं मिले? मान ली हमारा तो नहीं मिला था। तो गल्ला गल्ला पाई थी देखी जाऊं हम पाई थी कम छू। तो गांव क्षेत्र के विकास नहीं की नऊ? का नाम है अपना के? चार वर्ष से जो वर्तमान विधायक जी हैं, उनकर कुछ काम अपना के गांव में समझ में आवा? कुछ तो नहीं आवा समझ में। कौन गांव है? ये बताइए चार वर्ष से जो विधायक हैं, उनकर कैसन कार्यकाल रहा अपना के गांव क्षेत्र में? कोनो विकास कार्य की हिन का उपलब्धि रही उनकर? विकास कुछ नहीं हुआ, जो पहले क्या है वह है। वर्तमान में कुछ अपना के गांव क्षेत्र में विकास? हाँ कोई विकास नहीं। जी कर्मचारी ये शासकीय कर्मचारी यहाँ तैनात है अपना छोटे स्तर से ले लीजिए, चाहे सेक्रेटरी हो या कि और ऊपर जाप तहसील में हो या और को, इनका कैसा रवैया रहा का अपना पंचन के सुनत है कुछ? जैसे मान ली तहसील कोनो काम कले के गए तो का वहाँ सुनत है कि अपने ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी है जैसे तो का वो सुनत है अपना पंचन के कोनो काम में के? हाँ सेक्रेटरी कर। यदि अपना से हम कही
ये जो वर्तमान विधायक है उन्हीं उनके विकास कार्य है तो अपना 10 मस से कई अंक अपना उन्हीं दे अपने गाँव से नहीं हमारे टोला में कुछ काम नहीं है तो अंक नहीं ये पानी तक तो है नहीं पिए पिए के पानी नहीं है तो। पानी है चुना भरता है बरसात में नाली नाली ना, ना, ना है ना कुछ कहाँ पीने के तो दावा तो कर रहे थे तमाम की बड़ा विकास के इल्लू लगा दी पानी बरसात में यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है कहीं भी। वर्तमान विधायक जो हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के उनकी विशेष उपलब्धि इन चार वर्षों में क्या रही है सिमरिया क्षेत्र के? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या उपलब्धि हुई। कोई विकास कार्य आपके गांव क्षेत्र मेड़ा कहीं भी होगा? विकास कार्य तो हमको अभी जो जो था वही उसी प्रकार चल रहा था, जो पहले के विधायक करवा गए उससे आगे तो हमको कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ जो कर्मचारी है आप चाहे तहसीलदार को ले लीजिए, पटवारी हो गए आपके हल्का के, SDM हो गए और अन्य जो कर्मचारी हैं, इनका रवैया कैसा रहता है जनता के प्रति? ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत प्रॉपर ग्राम पंचायत हमारी चकदही के जो सरपंच सेक्रेटरी बहुत अच्छे जी, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, वो किसी कहने जो उनका कार्यकाल है बहुत अच्छा है। अब बाकी तहसीलदार फिक्र तहसीलदार पटवारी जो करते करते हैं पर लेकिन ग्राम पंचायत चकदही का कार्य विकास बहुत अच्छा चल रहा है। आप विधायक जी को 10 में से कितने अंक देंगे विकास के लिए, सिमरिया के विकास के लिए? सिमरिया विकास तो देखिए कुछ नहीं हुआ तो हम तो इसके लिए अंक के तो नहीं बोल सकते क्या दे सकते हैं। तो मतलब आप कोई भी अंक नहीं देना? हमारी तरफ से हमारा सरकार सुन पंचायत की तरफ से कहते पंचायत में 10 में 10 पर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक के लिए उनके विकास के लिए? हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि कोई काम ऐसा हुआ नहीं हुआ। विधायक जी का जो चार वर्षों का कार्यकाल रहा उसमें उनकी विशेष उपलब्धियां क्या है क्षेत्र में? क्षेत्र में तो विधायक जी के द्वारा उनके द्वारा किसी भी किए गए कार्यों की उपलब्धि हमारे समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जो विकास हुआ है तो केवल BJP और के स्थानीय जो नेता है उनका हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा है। गरीब का तो कोई विकास ही नहीं हमारी समझ में आ रहा है, गरीब के लिए विधायक जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं जैसे कि कोई भी कर्मचारी आता है तहसीलदार हो SDM हो वो सब यहाँ के नेताओं के दखलंदाजी के ऊपर चलते आते हैं, उनका रवैया कैसा रहा जनता के लोगों के प्रति? आप भी तहसील आते जाते रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, क्या है कि कर्मचारियों का जो कार्य व्यवहार है वो केवल नेताओं तक सीमित है, जो BJP के नेता हैं केवल वहीं तक सीमित है, इसलिए कि वो पार्टी और सत्ता के दबाव में है। जो भी कर्मचारी यहाँ आता है वो पार्टी और सत्ता के दबाव में आता है, वही यहाँ रह पाता है जो पार्टी के संबंध में गलत या सही हर काम करने को तैयार रहता है। आप मान लीजिए विधायक को 10 में से कितने अंक देंगे आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु 10 में से कितने अंक देंगे आप? है ये तो 2 अंक का के भी अधिकारी नहीं, 2 अंक नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ के अधिकारियों को आप कितना अंक दे सकते हैं 10 में से? 10 में से हो गया 2-3 अंक बस अधिकारियों, इससे ज़्यादा नहीं, इससे नहीं। सिमरिया विधानसभा में विगत 4 वर्षों से विधायक जी की क्या उपलब्धि रही यहाँ के विकास कार्य, चाहे वो नगर परिषद का हो या ग्रामीण क्षेत्र, आप कहीं भी ले लीजिए, क्या लगता है आपको कैसा? मुझे तो कोई नई उपलब्धि तो नहीं दिखी है हमारे सिमरिया पे। जो हमारा कॉलेज भी बना है गवर्नमेंट, वो भी पहले से ही बना हुआ उसको दिया गया है, पूर्व विधायक का है। इसके अलावा कुछ लोगों की जरूर उपलब्धि और विकास हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्ली, बाकी तो मैं नहीं देख रहा हूँ। जो भी सड़कें बनी हैं वो सब पुरानी सड़कें बनी हुई है, उनका पहले से ही टेंडर किया गया है, अभी तो मेरे को नया कुछ नहीं दिखाई इसमें विगत 4 वर्षों में इनके। हाँ तो ये विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं इनके जो तमाम लोग हैं, और ये तमाम दिन रात सोशल मीडिया में आप भी एक्टिव रहते हैं, देखते होंगे, क्या लगता है भूमि पूजन के अलावा इनका कोई काम? वो तो गाड़ी में ही लोड रहता है पूरा बनाया हुआ भूमि पूजन के लिए, बस कहीं पे खड़े होके और लाल कपड़ा उड़ा के भूमि पूजन कर पूजन कर देना है और क्या। जय बोलने के लिए अपने कुछ जो खिलाए पिलाए आदमी हैं तो वो तो जय बोलेंगे ना और क्या। तो ये गाड़ी में पत्थर लिए घूमते? हाँ तो क्या, गाड़ी में पत्थर ही लिए तो घूमते हैं, तभी तो हर जगह भूमि पूजन हो जाता है। और बाकी काम की गुणवत्ता जहाँ पे चलिए ठीक है, जिसमें आपने काम भी किया तो उसकी गुणवत्ता भी आप देख लीजिए ना कि उन्होंने किस गुणवत्ता का काम किया है।
यहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अधिकारी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका रवैया कैसा रहता है लोगों के प्रति? जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य लेकर के तहसील में गए, प्रॉपरली तो मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मेरी एक किस्त जो है जी अब प्रधानमंत्री आवास की 2019 से अभी तक तीसरी किस्त नहीं आई, और हर बार यही बता दिया जाता है, और मैंने शिकायत भी की तो अपना लोकलिटी के दबाव में मुझे फिर शिकायत वापस लेनी पड़ती है आपसी, मतलब एक भाईचारा होने के नाते बकाया अभी तक मेरा कोई काम नहीं है। तो यदि हम आपसे प्रश्न करें कि 10 में से कितने अंक आप विधायक जी को सिमरिया विधानसभा क्षेत्र या आपके नगर परिषद के विकास के लिए देंगे? वैसे तो देखिए एक सीधा बात है कि एक विधायक के में जितने शब्द होते हैं तो विधायक से अब वो विकास पुरुष हो गए हैं, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अंकों में उनके कितनी बढ़ोतरी हुई है कितनी घटौती हुई है। हाँ बकाया मैं 2-3 से ज़्यादा नहीं दे सकता नंबर, तो अंक में इनके गिरावट हो रही है और जो इनके नाम वाले हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो खाएगा तो वही ना गुण गाएगा, जो नहीं खाएगा तो कहे गुण गाएगा, सीधा बात तो यहाँ पे आ जाता है। तो आपका सीधा सा आरोप ये है कि यहाँ उनके जो कुछ लोग हैं, हाँ बस उनका विकास है जो उनके पीछे पीछे माला लेकर के चलते, स्वाभाविक है। बाकी नंबर प्लेट तो साथ लेके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, उसमें तो कोई बात ही नहीं। हाँ, वो जहां और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे असलियत में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी उपेक्षा की, हाँ उनकी उपेक्षा की जा रही है, जो मतलब जिनका कोई वही नहीं कि बिना पैदी का लौटा है कहाँ पे ढनक जाएगा, वो जाके सीधे अपना मौज कर रहे हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया, उनको तो भाई पूरा शुरुआत से महत्व ही दिया जा रहा है, बस बिना पैदी के लौटा हूँ कि जय है, बाकी तो असली कार्यकर्ता तो कोई वैल्यू ही नहीं उनकी। तो साहब ये जनता है जिसने जनप्रतिनिधि चुना था जनसेवा के लिए, आज वही जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है, किस तरह से जनता को छला गया और छला जाता रहेगा, आइए अब आपको ले चलते हैं जो 2018 के चुनाव में असफल हुए थे, वादे तो किए थे लेकिन जनता इनके वादों पर भरोसा ना कर केपी त्रिपाठी पर विश्वास किया था, इन बीते 4 वर्षों में कौन कितनी जिम्मेवारी उठाया है उसे भी जानते हैं। सरकार के 4 साल पूरे हो गए, लगभग 50 महीने। सिमरिया विधानसभा में क्षेत्र की जनता को इन 50 माह में क्या मिला, क्या आपने देखा क्षेत्र में जाकर, क्या वादे किए थे जिसके कारण भाजपा पर लोगों ने विश्वास किया था, और क्या रहा जिसका आपने विरोध किया और लगा लोगों को कि यहाँ पर मेरी कमी रह गई या इनकी? नमस्कार भाई साहब, सरकार के जो अभी 4 साल से ऊपर हुए इसमें सरकार के द्वारा सिमरिया विधानसभा में कोई ऐसा नया कार्य नहीं किया गया जिससे अंतिम छोर के लोगों को जो है तो फायदा मिले। सरकार कुछ अपने गिने चुने लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया, जो सरकार की नेशनल पॉलिसी है हम दो हमारे दो, उसी के आधार पे ये पूरा फार्मूला विधानसभा स्तर पे जो है तो लागू है, बाकी आम जनता को कोई 4 साल में कुछ मिला नहीं है। ज़्यादातर विधायक पर आरोप लगते रहे हैं, अवैध उत्खनन पर हो, कृषर पर हो, अधिकारियों पर दबाव बनाने का हो, पुराने कार्यों को नया बताकर हो, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या लगा? देखिए ये तो जो सरकार है ये सरकार का बीजेपी की जो पॉलिसी है वो खाली नामकरण की सरकार है, वो तो जो पुरानी योजनाएं हैं जो पुराने काम हैं उसी को अपना बता के इनका जो IT सेल है उसी को प्रसारित करने का काम करते हैं, बाकी ज़मीन पे जो है तो इसके पहले भी काम होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं जो रूटीन के हैं, बाकी नया काम जो है तो कुछ भी नहीं किए। आप तो अगर देखा जाए कि जो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी एक बहुत बड़े वोटर हैं, जो आपका अच्छा वहाँ पर वोट बैंक है, तीसरे नंबर पर रही, कई बार दूसरे नंबर पर रही, जो मामले आए शोषण के, परेशान करने के, चाहे वो फसल उजाड़ने का मामला रहा हो, किसी के खिलाफ मामला दर्ज कराने का रहा हो, उसमें क्या विपक्ष में आपने कितना आवाज़ उठा पाए, क्या सफल हुए, कांग्रेस का क्या रोल रहा? देखिए इसमें ये जो भी चाहे फसल उजाड़ने का मामला हो, चाहे फर्जी मुकदमे की बात हो, ये उस पीरियड में इन्होंने ये सब काम किया जब ये अपने यहाँ कोरोना गाइडलाइन का धारा के तहत धारा 144 की पूरे ज़िले में लागू थी, उस पीरियड में जो है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की इजाज़त नहीं देते थे, तो उस कारण हम लोग तो सामूहिक रूप से प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने विरोध जितना कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया।
और विरोध दर्ज कराने का ही फायदा हुआ कि आज की डेट में जब से विरोध हुआ तो नए मामले भी फर्जी न तो FIR के हुए, न तो किसी का घर गिराने की बात आई, न तो फसल उजाड़ने की। शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेवार होता है, जितने शासन विधायक है उतने प्रशासन उनके काम करता है, शासन योजना बनाता है, प्रशासन उसको धरती पर लाता है। प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई वो विधायकों पर था कि विधायक अपने हिसाब से SDM रखे, अपने हिसाब से थाना प्रभारी रखे, तहसीलदार रखे, इनकी कितनी भूमिका रही इन 50 महीने में, क्या जनता ने बताया, कैसे रहे इनका निर्वहन किया अपने कर्तव्य का? देखिए, जो हमारी प्रशासन की बॉडी है, हम लोगों की लड़ाई तो शासन से है, प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन जो अभी देखने को मिला, जो प्रशासन के लोग हैं ये बिल्कुल जो है सत्ता के इशारे पर काम किए, और उसका देखा जाए यदि जितनी भी योजनाएं जो अंतिम छोर की चल रही हैं, जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इनका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को जो चला रहे हैं, ये सरकार का मॉनिटरिंग करने का अधिकार होता है उस क्षेत्र संबंधित जो नेता हैं, लेकिन ये मॉनिटरिंग करने में फेल हुए। विधायक के पार्टी के 4 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, अगर उसमें आपसे कहा जाए कि 10 में से कितने अंक देंगे, तो आपको क्या लगता है? आप भी क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं, लोगों संपर्क में रहते हैं, तो क्या कितने अंक देंगे आप? अब इसमें अंक की बात अब अपन तो जांचने के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जनता के बीच में। प्रशासन का कैसा रहा? प्रशासन भी जो है तो बिल्कुल, प्रशासन तो बिल्कुल बेलगाम है, बिल्कुल सत्ता के इशारे में कहता जो शासन के लोग कहते हैं, उसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। ठीक, 9 महीने बाद फिर से चुनाव है, क्या लगता है कि अब कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके अब ये 4 साल की बातों को आप जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे, क्या लगता है कैसा उनका अनुभव रहेगा? देखिए, जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है और जो आने वाले समय में जो मुद्दे होंगे अंतिम छोर के लोगों के हित के संबंध में। जैसे हमारे सिमरिया क्षेत्र में देखा जाए तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जरमोहरा डैम में पानी गिराने के लिए हम लोग प्रयासरत थे कि वहाँ नर्मदा का पानी आए नहर के माध्यम से, ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल तो बना लेकिन वहाँ आज भी कोई डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है तो व्यस्त हैं। फिर पंचायत की बात आती है, जनपद की बात आती है, तो हम लोगों की व्यक्तिगत मांग थी, हमारा चुनावी घोषणा भी था कि सिमरिया में जो है ब्लॉक बनाया जाए सिमरिया को, तो ये भी नहीं करा पाए। तो ये सब सारे मुद्दे हैं हमारे। सर, वहाँ के लोग कहते हैं, खासकर आप पार्टी के प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि BSP और कांग्रेस जो बड़ी पार्टियाँ हैं, इनका सबका BJP से साठगांठ था और ये 4 साल कुछ नहीं बोले, अपने अपने कारोबार में लगे रहे, जनता पिसती रही, क्या लगता है आपको, क्या कहना है इनका? आरोप निराधार है, बाकी हम लोग तो कार्यक्रम किए, हम लोग विरोध किए, आज भी करते हैं। हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रीय लेवल पे अन्याय अत्याचार हुआ हो, उसका भी हम लोग जो तो ज्ञापन देके जो है विरोध प्रदर्शन किए, हम अपनी मांग पे अड़े रहे। बाकी अभी जैसे यहाँ एक मनगमा का मामला है, एक महिला की हत्या की गई, उस पर जो है तो इन्होंने सुसाइड करके दिखाया, हम लोगों ने उसको IG साहब से मिला, ज्ञापन दिया, घेराव किया, और उसमें फिर लास्ट में 302 का मामला निकला। SDM नीलमणि अग्निहोत्री को 10 थाना लंबे समय तक रहे, उनके ऊपर आरोप लगते रहे, तहसीलदार के ऊपर आरोप लगते रहे, ज्ञापन देने गए लोग उनके खिलाफ मामले दर्ज कराते रहे, इसके विरोध में आप लोगों ने विरोध किया जी, तो क्या लगता है कि इसके परिणाम कुछ अभी 2023-24 में मिलेंगे? अब ये जनता के बीच एक ऐसा मैसेज गया? नहीं, जनता के बीच में देखिए है क्या कि जो SDM साहब के विरोध की बात है, निश्चित तौर पे जो सिमरिया की आवाज़ है इसमें तो SDM के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ थी। अभी कुछ दिन पहले किसान महासभा के लोग कुछ कार्यक्रम करने के लिए वहाँ कार्यक्रम की अनुमति के लिए गए थे, वहाँ जो है तो वहाँ के तहसीलदार जो थे, तहसीलदार ने उनके खिलाफ जो है तो झूठी सिमरिया थाने में FIR दर्ज कराई, फिर उसके कलेक्टर साहब ने उनका शायद ट्रांसफ़र भी कर दिया। लेकिन ये लोग तो टोटल वही इशारे पे चलते हैं, तानाशाही है, बिल्कुल है, इसमें प्रशासन के लोग जो है तो बिल्कुल सत्ता के इशारे में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है, और जनता इसको जो है तो खूब जानती है, जनता बिल्कुल त्राई त्राई करके रखी है, और इसका जो है तो परिणाम 2023-24 में जरूर मिलेगा। भाई साहब, 4 साल हो गए विधानसभा के पंचवर्षीय, 10 महीने चुनाव बाद, 4 साल के कार्यकाल में किस तरह से देखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह से विकास रहा विधायक का, किस तरह के आरोप लगे और किस तरह से आगे चुनाव की तैयारी है?
मैं चूँकि 2018 का मैं प्रत्याशी भी रहा हूँ, तो मैंने बहुत करीब से और मुख्य विपक्ष की भूमिका मैंने निभाई है। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक वहाँ पर जो विधायक का कार्यकाल KP त्रिपाठी का रहा, उन्होंने विकास जो कह रहे हैं आप, विकास शब्द विकास किया है स्वयं का, अपने भाई का, अपने गुर्गों का, जो लोग उसके सहयोगी रहे, ठेका दिलाना, उनको काम कराना, ऐसे विकास किया उन्होंने। लेकिन विकास कहीं पर भी किसी भी आप या तो कोई सरकारी तंत्र को आप छू लें, नगर पंचायत को छू लें, अवैध वसूली का मामला मिल जाएगा, ग्राम पंचायत पे चले जाएं, ग्राम पंचायत में जो है लूट खसोट भ्रष्टाचार सेक्रेटरी सरपंच द्वारा मिल जाएगा, क्षेत्र में जो है गलत कामों के लगे तो उत्खनन का मामला आपको मिल जाएगा, पूरे क्षेत्र में उत्खनन करने का काम उनके पास है। उसके बाद जो है जबरन पैसा वसूली की बात अगर ली जाए तो CO के कांड वाला मिल जाएगा। उसके बाद और भी अब जो जहाँ जहाँ कदम रखेंगे, बसान मामा भी कल परसों मेरी टीम गई थी, बसान मामा को लेके करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन अभी तक वहाँ सफाई नहीं है। वहाँ पर मेरा खुद का लैंड है, वहाँ जस्ट ऊपर में मेरे पूर्व फॉल के ऊपर, वहाँ पर जिस प्रकार का पैसा खर्च करने का दावा किया जा रहा है, इतना खोखला विकास कि जिसको जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर ऊपर तक के लोग जो है आँख बंद करके हैं, और जो उनका संरक्षण है वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं कि पिछले 4 सालों में KP त्रिपाठी सिमरिया विधानसभा का विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य है। बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा की बात करने के बाद आप बता रहे हैं खुद अपना विकास किया, कई बार आरोप भी लगे, फिर से चुनाव आने वाला है, फिर से वही वादे होंगे, तो किस तरह से आप उसका विरोध करेंगे कि जनता को क्या बताएंगे, क्या प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, BSP के द्वारा, क्या ये सब कोई पार्टियां हैं आगे जो जनता के मुद्दे को ला रही हैं? देखिए रमनन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस पे मैं आपको बता दूं कि सिमरिया विधानसभा में 2018 में मेरे साथ में 22 लोगों ने चुनाव लड़ा, मैं 4th नंबर पे रहा, बहुत कम वोट मेरे को मिले, और मेरे से ऊपर जो 2 लोग और थे, पंकज पटेल जी जो हैं वो BSP से और त्रिवी नारायण जो है कांग्रेस से, ये 40-40 हज़ार वोट के मालिक हैं। ये इन्होंने आज तक जो है मैंने 0.4% भी किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं कराया, चाहे गांव के अंदर में ट्रांसफार्मर जल गए हों, गांव के अंदर में इन्होंने करोड़ों रुपए की लूट कर ली नाजायज वेंडर बनाकर, और करोड़ों रुपए एक एक पंचायत के अंदर दिया है उसको लूट लिया, पर इन्होंने नहीं बोले। त्रिवी नारायण जी जो है, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण, वो भी जिला अध्यक्ष ग्रामीण है, मेरे साथ ही चुनाव लड़े, एक भी मुद्दा किसी पेपर में कभी भी किसी मामले को लेकर, विपक्ष का मतलब ये होता है कि अगर सत्ता पक्ष काम ना करे तो विपक्ष के लोग आवाज़ उठाएं, वो मैंने लगातार 4 साल तक किया, लेकिन इन लोगों का कोई पता नहीं। विपक्ष भी उनके साथ मिलकर एक साथ ठेकेदारी करते हैं, और ये पता लगा लें कि एक ही साथ मैंने लास्ट टाइम जो है, मेरे को याद है कि आपका अल्ट्राटेक ने JP को हाईटेक किया था, वहां पर एक जो है अमर पाटन के सिंह साहब उनकी जमीन को खोदा था इन लोगों ने, उस खुदाई में आपको जानकारी होगी एक साथ क्रेशर लगे हुए थे, पंकज पटेल के भी क्रेशर वहां पर हैं और उसी जगह में KP त्रिपाठी के भाई का क्रेशर है। ये दोनों लूटते क्यों विरोध करेंगे, और विरोध कभी नहीं किया, और अगर करते तो जगह जगह पे इतना ज़्यादा था कि ये समझ लीजिए आज मैं इतना मैं जो है मैंने विरोध किया तो आज KP त्रिपाठी 8 विधानसभा में सबसे अधिक बदनाम विधायक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पूरा लूटपाट के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने टैंकर के नाम पे जो है पैसा करना, स्वेच्छा अनुदान अपने ड्राइवर को देना, ये सारी बातें जनता के सामने मैंने रखी हैं, और ये जो है इस प्रकार किसी प्रकार से कहीं तक विधायक का जो एक लेबल होता है, नेताओं का काम ये है मेरे हिसाब से कि जनता का भय हरना, प्रशासन अधिकारियों के अंदर भय भरना, यहाँ पर उल्टा काम है। यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों का भय हरना और जनता पे भय भरने का काम जो है KP त्रिपाठी ने किया है। कई ऐसे मामले आए कि रोजगार छीने गए लोगों के, विरोध किया, नौकरी से हटवा दिया, FIR दर्ज करा दिया, झूठे मामले दर्ज कराए, इस तरह से आरोप लगे, आपने भी आरोप लगाया, जनता ने भी आरोप लगाया। क्योंकि दूसरे विपक्ष के लोग शांत रहे इसका कारण यही रहा कि उनके हौसले बढ़े रहे और इस तरह से लोग मतलब जनता का कुल मिलाकर शोषण हुआ। जो जनता को आप वोट देने लेने जाते हैं तो जनता जनार्दन है, दुनिया भर के नारे देते हैं, पैर छूते हैं, अपमाते, बाद में वही जनता जो है तराई तराई करने लगती है। कुछ पैटर्न ऐसा लग रहा है कि अब बदलने वाला है, कुछ इसका असर जनता के पास जाएगा इस चुनाव में? बिल्कुल जाएगा। इसके लिए यह है कि सिमरिया विधानसभा में कम से कम इसका पहला नज़रिया आपको ही मिलेगा कि KP त्रिपाठी जो है BJP से टिकट नहीं मिलेगी। ये पहले प्रत्याशी होंगे वहाँ के जो पूर्व कहला जाएंगे बिना चुनाव लड़े हारे।
और इसका यह भी मैं कह सकता हूं आपको कि वहां की क्षेत्र की जनता ये समझ रही सब बातों को। वहां पर कई लोग ऐसे आए जो लोग अपने आप को वहां पर स्थापित करने वाली बात कर रहे थे, चाहे वो अभय मिश्रा की बात ले लें या फिर जो लोग आए हैं। तो अभी जो है वो इलेक्शन जो है वहां से लड़ने के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। त्रियुगी नारायण की बात ले लें, त्रियुगी नारायण जो है खुद कर ले तो इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे वहां से। पंकज पटेल की अगर बात ले लें, पंकज पटेल जी भी जो है कई जगह ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि सिर्फ चुनाव के समय में कुछ चंद रुपया अपने लोगों को लगाकर काम करना, लेकिन जनता के मुद्दे जब नहीं उठाना तो उसमें क्या है। इस प्रकार के लोग, एक सामान्य सा व्यक्ति जो है वहां पर जो है भस्मासुर बन के विधायकी करना, उसका कारण यह है कि जनता का भी बहुत बड़ा दोष है। जनता ये समझ नहीं पा रही है कि कौन व्यक्ति आपके साथ में है, कौन व्यक्ति आपके साथ में नहीं है। जनता का काम यह है कि आपने वोट दिया तो खुलकर आपको विरोध करना चाहिए, लोगों के लिए बोलना चाहिए। लेकिन वहां पर जनता भी समझदार हो रही है, और सिमरिया में ऐसा है कि छोटी बात हो जाए तो वायरल होते हैं वीडियो, वो हमने सिखा दिया क्षेत्र में, और जब जगह जगह पे आपको इससे शिकायत दिखने को मिलेगी। जनता सरकार बनाती है, शासन चलाता है, शासन के साथ साथ प्रशासन का बहुत अहम रोल होता है। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन उनका जो पालन होता है प्रशासन करवाता है, अपने हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। क्या लगता है कि सिमरिया विधानसभा में प्रशासन का क्या रोल रहा, चाहे वो SDM हो, तहसीलदार हो, TI हो, पुलिस हो, RI हो, इनका किस तरह से आपने देखा, आपने वहाँ देखे, लोगों से मिले, क्या लगता है इसका क्या रोल रहा और किस तरह से काम किया है 4 साल में? देखिए, प्रशासन के नाम पे मैं लोगों ने ले राजा टी कलेक्टर से लेकर SDM वहाँ पर जो है नीलमणि अंग्रोत्री, या फिर मेरे सिमरिया थाने के अंदर में 13-13 जो है थाना प्रभारी बदल जाना, इसलिए कि क्योंकि वो बात सुन के जनता कुछ काम करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो है उनको जानबूझ के SP के द्वारा बदलना, इस हिसाब से बदलना कि यहाँ पर जो है राजेंद्र शुक्ला KP त्रिपाठी को सूट नहीं कर रहा है, अवैध खनन को रोक दिया है, अवैध खनन वहाँ से उत्खनन होता है अल्मुना का, और वहाँ से बहुत सारे काम हैं जो कि समझिए कि सबसे बड़ा मादक पदार्थों का एरिया बना हुआ है वहाँ। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये इनके लोगों के द्वारा जो इस प्रकार काम किया जाता है। तो प्रशासन शासन तो बिल्कुल निरंकुश रहा, और उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया समस्त कामों में। अगर अब बात ले लें राजस्व का, बात ले लें राजस्व के मामले में, कई किसी की ज़मीन किसी के नाम कर दिए, वहाँ पर जो है SDM लगातार बने रहे। बहुत बड़ी बात बता दूँ आपको मैं, जरमोहरा कांड जब हुआ उसमें स्वयं किसी के आदेश नहीं था, उसके बाद जो है खड़े होकर JCB चलवा देना और विधायक पर कोई काम नहीं होना, प्रशासनिक बात लेगा ले, उसके बाद पुलिस प्रशासन ले ले, पुलिस प्रशासन में मेरे सामने थाना प्रभारी जो है वो लगातार KP त्रिपाठी से मोबाइल में बात कर रहे थे। मैंने उसका वो भी निकाला, रिकॉर्ड कराया, तब 120B का मुकदमा मैंने बोला था, तब दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार बाद में CO के साथ जब कांड हुआ, जब एक अधिकारी मारा गया, पूरे जगह कलम बंद हुआ, तब जाके वही काम हुआ जो काम बाद है आज 120B के मुकदमा के वो हैं, जब 14 घंटा हम पानी में डूबे रहे, और वहाँ पर कहीं से कहीं तक आप ले लें, कोई प्रशासनिक अधिकारी ले लें, वो किसी भी प्रकार से अपना दायित्व तो जो है जनता के निर्णय नहीं सोचते। क्योंकि क्या है कि आज की राजनीति में BJP हो, कांग्रेस हो, BSP हो, वो किसी कार्यकर्ता को, सामाजिक व्यक्ति को सोचता ही नहीं है, वो ठेकेदार को सोचता है। ठेकेदार चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, उन्होंने जिंदगी में चम्मच लेके पैदा होने वाला व्यक्ति, वो किसी भी किसान का, किसी आम आदमी का, एक सामान्य व्यक्ति के दर्द को क्या समझेगा। वही पैटर्न उनकी चौकीदारी करते करते एक अपने व्यक्ति को जो है उनको पहले जनपद अध्यक्ष बनाया KP त्रिपाठी को, उन्होंने वहाँ भी मारपीट की, उन्होंने एक अपना जो गुंडा पाला हुआ था उस व्यक्ति को जो है उस क्षेत्र से विधायक बना दिया, और विधायक बनने के बाद वो भस्मासुर हो गए, और आज स्थिति यह है कि स्वयं जो है जिन्होंने इनको लाया, आज जितना बदनामी उनकी उतनी बदनामी इनकी भी। कारण ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था की, जहाँ आप सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासन जो है पूरी तरह से पंगु है। इस वक्त भी जिस गांव में जाइए, धान खरीदी केंद्र का मामला हो, या फिर आपका कोटा का मामला हो, या गांव में पंचायत का भ्रष्टाचार हो, इन सभी में नीचे से लेके अभी इस वक्त के कलेक्टर पुष्प से लेके नीचे का एक सामान्य सा चपरासी तक जो है वहां पर नतमस्तक है, इनकी कोई खुद की वक्त नहीं है। अगर विधायक को एक विपक्ष होने के नाते या जनता या वोटर होने के नाते पूछा जाए कि 10 में से कितने अंक देंगे आप, तो क्या देखते हैं आप, कितना अंक देंगे विधायक? मेरे को अगर मान लीजिए ऐसा मौका मिले कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुझसे पूछे कि यार मेरे विधायक को विपक्ष के आदमी हो, आप कितने अंक मुझे इस देंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जनता की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि इसमें जितनी माइनस मार्किंग हो सके उसमें स्वयं शिवराज सिंह चौहान और राजेंद्र शुक्ला के मार्क मिला दिए जाएंगे, उनके 10-10 भी तो कट के वो शून्य हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि विधानसभा सिमरिया में सिर्फ पार्टी के नाम पर कमल के फूल को निशान लगाने पर एक ऐसा व्यक्ति विधायक बन गया जिसको अंक देना तो दूर की बात,
सोच ले तो रात में जो है लोगों को ये लगता है कि अरे यार हमारा जो है हम बोल देंगे तो ऐसा होगा, जबकि आदमी को विपक्ष के बात को मानकर काम करने से उनका प्रोग्रेस ही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो इनको मैं जो है माइनस मार्किंग करने की कोशिश करूँगा कि माइनस मार्किंग पहले हुआ करती थी, अभी तो माइनस मार्किंग होनी चाहिए इनके लिए। प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन 10 नंबर में अगर कुछ नंबर देने हो, जो प्रशासनिक व्यवस्था रही 4 साल 10 महीने और बाकी है। प्रशासनिक व्यवस्था को वहाँ पर जो है मैं उसको भी कुछ हद तक उसको 2-3 पॉइंट दिया जा सकता है, इसलिए दिया सकता है कि कुछ मामलों को तो है, जैसे मान लीजिए अभी लास्ट टाइम ले लिया जाए तो इस मामले पे जो है पुलिस ने अभी पिछले हटा दिया जाए, अगर उनको लास्ट एसपी को हटा दिया जाए तो ये एसपी साहब को जो है नवनीत भसीन को कुछ नंबर दिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की है वहाँ पर। बाकी तब भी जो है जहाँ से लूट का तंत्र है, जो लूटने का मौका मिलता है पुलिस को, वो तो बराबर धाराधार चालू है। तो प्रशासन को भी मैं बहुत हल्के मन से 1-2 पॉइंट दे सकता हूँ, पर ये प्रशासन पूरी तरह पंगु है, ये बिल्कुल कहना पड़ेगा। 2023 के चुनाव तक के लिए कुछ जगह पाए आप लोग जनता को, इन सब चीज़ों को देख के जो आरोप लगे, घटनाएँ घटी, मामले सामने आए, किसी से छिपा नहीं है, ना मीडिया से ना प्रतिनिधियों से, सबने देखा। जनता को तो सिमरिया विधानसभा में मैंने जो है इतने कम आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में मिले थे, तो मैंने तो जनता को इतना जगा दिया है कि सिमरिया विधानसभा के 8 विधायक में सबसे सारे काम सब विधायक पूरे जो हैं स्वयं राजेंद्र शुक्ला, वो भी वही काम कर रहे हैं जो काम केपी त्रिपाठी कर रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में सब काम होता है पूरे जगह माठों में। पर सबसे अधिक बात जो है विधायक सिमरिया की बात क्यों उठी, कारण यह है कि सिमरिया की जनता को खूब जागरूक किया अपन ने, लोगों को तड़ा तड़ अपने यहाँ पर कोई छोटे छोटे मामलों को लाइव करना, लोगों को करना, विरोध करना, ये सब गांव-गांव में शुरू हुआ, और इसी कारण जो है वहाँ पर जागरूक तो हमने बहुत किया है, और आने वाले वक्त में जो है इस बात के जो टिकट कट जाएगी तो समझ जाइएगा कि पूरी तरह जनता जागरूक हो गई, इस कारण से डर है और इस कारण से उनको टिकट नहीं मिलेगी। सुना आपने, यह है विपक्ष, जिनमें अगर बात करें तो क्षेत्र के लोगों के दुख सुख और अधिकार के लिए अगर कोई खड़ा रहा है और लड़ाई लड़ा है तो आप पार्टी से प्रमोद शर्मा, वरना अन्य तो जन्म और मौत पर घर पहुंचकर फोटो ही खिंचवाते रहे हैं। अब आइए सुनाते हैं सत्ताधारी दल के नेताओं से उनका क्या कहना है। 4 वर्ष के कैसन कार्यकाल रहा उनका, अपना के क्षेत्र में कौन उपलब्धि रही? जी कार्यकाल बढ़िया रहा, सिमरिया विधानसभा के नवयुवक विधायक केपी त्रिपाठी जी पहले विधायक हैं जो कि अमीरों से गरीबों से बड़ों से छोटों से अपने घर में हर समय, घर जाने पे हर समय वो मिलते थे, हर समय मिलते हैं, सबकी आवाज़ सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, जो भी कार्य करते हैं अच्छा करते हैं। हमारे जानकारी के मुताबिक कोई बुरा कार्य ऐसा नहीं हुआ, अनावश्यक तरह से उनके ऊपर कोई भी आलोचना लगाई जाए ये तो व्यक्तियों की सोच है, पर हमारी भाजपा पार्टी बढ़िया है, हमारे भाजपा का विधायक केपी त्रिपाठी बढ़िया है, और मैं केपी त्रिपाठी को बार बार धन्यवाद करता हूं, और जितने अंक होते हों मैं अपने तरफ से समूच अंक माननीय विधायक केपी त्रिपाठी जी को दे रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं तहसील में या कि कहीं भी, आप कोई भी कर्मचारी जो यहाँ पर स्थापित हैं, उनका रवैया कैसा रहता है जनता के प्रति? बढ़िया रहता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो विधायक जी मदद भी करते हैं जी। अगर तहसील में खड़े अगर कोई परेशानी है तो किसी ने अगर विधायक जी को फोन लगाया है तो काम हुआ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं होती, ना कोई आज तक विधायक जी के बनने के बाद पुलिस अनावश्यक तरह से आज तक नहीं सताया, ये पहला विधायक है कि जो मतलब प्रताड़ना नहीं की गई पुलिस के द्वारा, हम संतुष्ट हैं। देखा आपने, नेता जिस जनता को चुनाव के समय जनार्दन कहते हैं, वही जनता वोट देने के बाद कैसे बेहोश हो जाती है। यह था सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शासन और प्रशासन के 4 वर्षों का लेखा जोखा, जिसमें जनता की नजरों में दोनों ही फेल हुए हैं। जहां सत्ताधारियों पर गंभीर आरोप लगे, वही प्रशासन पर भी आंख बंद कर जनता के लिए नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए सेवा करने का आरोप है, जिन्हें जनता के पैरामीटर में 10 में से 3 अंक मिले हैं, जो विराट 24 की नजर में शासन और प्रशासन दोनों के लिए शर्म की बात है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हम आगे आपको फिर ले चलेंगे किसी अन्य विधानसभा के नेता नगरी में, जहां दिखाएंगे जनता का हाल और जनता के पैरामीटर में नापेंगे शासन प्रशासन को। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।